जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। प्रयागराज की माफियाती कहमत और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की पुलिस हिरासत में हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। माफिया की बहन आयशा नूरी ने अपने वकील सोमेश चंद्र झा और आत्मर्य आशीष शरण के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में आयशा ने अपने दोनों भाइयों की हत्या को राज्य प्रायोजित होने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच कराने का अनुरोध किया है। याचिका में मांग की गई कि इसके लिए किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या किसी स्वतंत्र एजेंसी के जरिए पूरी जांच कराई जाए। आयशा ने अपने दोनों भाइयों के अलावा भतीजे असद की पुलिस एनकाउंटर में मौत मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। याचिका में आयशा ने अपने दोनों भाइयों की हत्या को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बताते हुए आरोप लगाया कि उच्च स्तरीय सरकारी एजेंटों के माध्यम से पूरी घटना की योजना बनाई गई थी और उत्तर प्रदेश सरकार की मदद के लिए पुलिस भी इनके साथ मिली हुई थी। इस मामले की सुनवाई 3 जुलाई को हो सकती है। बता दें कि इसी साल 24 फरवरी को प्रयागराज में अधिवक्ता उमेश पाल सहित उनके साथ चलने वाले 2 गरर की भी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अतीक अहमद का परिवार पुलिस के निशाने पर आ गया था। इसी मामले में पूछताछ के लिए यूपी पुलिस अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से और अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाई थी। इस बीच 15 अप्रैल की रात 3 हमलावरों ने पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की हत्या कर दी थी। बता दें कि आयशा नूरी खुद पुलिस से फरार चल रही हैं। उस पर उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 5 लाख के इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम को मेरठ स्थित घर में पनाह देने का आरोप है। आयशा ने सरेंडर के लिए प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में अर्जी डाल रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया। जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।